हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस न्यू टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। क्या है ग्रेविटेशन? इस टॉपिक को आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में टॉपिक है, लेकिन हम इसको 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टेट जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम इलेक्ट्रोस्टेट से पहले यदि ग्रेविटेशन को पढ़ लें तो इसलिए इससे इलेक्ट्रोस्टेट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस टॉपिक इन द बिगिनिंग ऑफ 12th क्लास। इसके फेमस स्टोरी के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक बार न्यूटन जो थे वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक एप्पल पेड़ से टूट करके नीचे गिरा। तो जब बैठे हुए थे तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल जो है वो पेड़ से टूटने के बाद नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन्होंने ये फिगर आउट किया कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आई मीन दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपना फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड क्रिएट करने के बाद क्या करता है, उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो उन्होंने ये फिगर आउट किया कि अब एप्पल जो है वो अर्थ के फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर जाने के रिस्पेक्ट में वो क्या है, नीचे फॉल होता है। ठीक है, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इससे पहले केपलर्स थे, लेकिन केपलर्स लॉ को हम बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने भी तीन लॉज दिए थे, लेकिन पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे और फिर हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। तो केपलर्स लॉ में जितने भी रिजल्ट्स हैं उसको हम अच्छे से डिराइव कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा ये भी ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि आप यदि ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टेट को समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टेट में, कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो यहाँ मास को कंसीडर करेंगे और कुछ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टेट आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे तो वहाँ हम क्या चीज़ को कंसीडर करेंगे, चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो यही डिफरेंस है, ठीक है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है और एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है और सारे रिजल्ट जो है वो सिमिलर है। इसलिए बेटा हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको जब हम अच्छे से पढ़ जाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को तो इलेक्ट्रोस्टेट को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये भी आपको मैं बता दूं कि ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ने इस लॉ को देने के लिए पूरे कैलकुलस को डेवलप किया। कैलकुलस जो है वो न्यूटन्स का ही डेवलप किया हुआ है। क्यों? जब वो ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो उनको मैथमेटिकल रिलेशन लिखना था कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसको डिराइव करने के लिए उन्होंने कैलकुलस डिस्कवर किया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ना। तो न्यूटन्स ने क्या बताया कि मान लो कि दो पॉइंट मासेस है, पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास यदि कहीं भी रखा हुआ है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो होता है उनकी मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि दो ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये पॉइंट मास मैं बताऊंगा, ठीक है। तो M1, M2 दो पॉइंट मास है, उनको यदि डी डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, मैं इसको FG बोल रहा हूं, FGG स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो पॉइंट मासेस के बीच वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन क्या होता है, d स्क्वायर होता है, क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और फिर उन्होंने एक अफकोर्स ये डायरेक्टली रिलेशन है, तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा जिसको जी हम बोलते हैं, एम वन एम टू अपॉन क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा, डी स्क्वायर। बेटा कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं, इसलिए कि दो मासेस इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हर जगह क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, हर जगह फिक्स होगा। जी का जो वैल्यू है, यदि वाटर कहीं भी आप मेजर करोगे तो उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। और इसका वैल्यू कितना होता है, जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू मासेस किस टाइप का मास होना चाहिए, पॉइंट मास। ठीक है, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा, डी स्क्वायर। डी क्या है, उनके बीच सेपरेशन है। ठीक है, ये हमने यहां क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है यहां, मैग्नीट्यूड लिखा है। आपको भी मालूम है फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, तो वेक्टर नोटेशन में इसको कैसे लिखोगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम वेक्टर नोटेशन में हम फोर्स को कैसे लिखेंगे। अब देखो, यदि उसके बाद ये ध्यान देना है बेटा कि ये जो फोर्स लगेगा वो अलवेज क्या होगा, दोनों मास को ज्वाइंट करने वाला जो लाइन होगा उसी के अलोंग लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है क्या है, उन दोनों मास को जो ज्वाइंट करने वाला लाइन होता है उसी के अलोंग क्या होता है, लगता है। तो हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। देखो, इधर ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं F12। F12 का मतलब क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे ऑन फोर्स ऑन वन ड्यू टू, हम क्या लिखेंगे इसको पढ़ेंगे ड्यू ऑन ड्यू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो देखो, एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। सिमिलरली यदि मैं ऐसे लिखूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो बेटा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, क्या हम बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑन वन प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑन टू विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ टू वन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। तो आपको जब भी पूछा जाएगा कि क्या है, दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, जी एम वन एम टू अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। बेटा ये बात समझ में आया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है या उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो आपको ये मालूम चल गया, देखो ध्यान से, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या, कुछ की पॉइंट मैं बताऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बोथ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एंड सेपरेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, और दोनों पार्टिकल का मास क्या है उस पर ही क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बेटा समझ में आया। तो हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि उसके बाद, तो आपको ये समझ में आ गया कि दो पार्टिकल के बीच जो मास, जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा,
दोनों के मास पे और उनके बीच सेपरेशन क्या है उस पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ एक की पॉइंट मैं लिख देता हूँ बेटा, नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg जो होगा, Fg does not depend on the nature of, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, nature of medium in which two particles are placed। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल्स को आप एयर में रखो, वाटर में रखो, किरोसिन तेल में रख दो, हर मीडियम में यदि डिस्टेंस सेम है, उनका मास सेम है, तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मान लो कि यहां दो मासेस को हमने कहां रखा है, m1 और m2, इनको इनके बीच जो सेपरेशन है वो d है। अभी मैं पूछूं, इनको एयर में रखा हुआ है, एयर में मान, तो इनके बीच मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जी m1 m2 अपॉन क्या होगा, ds1। यही होगा बेटा, समझ में आया क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन ds1। इन्हीं दो मास को यदि मैं बोलूं कि नहीं मैंने वाटर में रख दिया है, कहां वाटर में, यहां एक मास रख दिया और एक यहां रख दिया, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, इनके हम m1 और m2, इनके बीच सेपरेशन क्या है, d है। अभी यदि मैं फोर्स लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको जी डैश से लिख देता हूं, ये कितना मैंने लिखा, जी m1 m2 अपॉन क्या लिखा, ds2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स भी दो पार्टिकल्स के बीच वाटर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एयर में जब वो रखे हुए हैं उनके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि Fg- क्या होगा, Fg। ये बात समझ में आया, तो यही मैंने लिखा है कि Fg का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, ठीक है, किसी भी मीडियम में रखा गया है उस मीडियम से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, तो हम यहां लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कि लिख लेना बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव कहां पढ़ाया था बेटा, मैं वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन पार्ट के नेचर से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में क्या होगा, डिफरेंट पाथ से के अलोंग क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, एफजी इज क्या होगा, ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव समझ में आया बेटा, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा कि ये वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, पाथ से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल देख लो कि ये पॉइंट वन है, ये दूसरा पॉइंट है, किसी मास को यहां से यहां वन पॉइंट से टू पॉइंट ले जाओ, डिफरेंट पाथ कह लो, ठीक है, यहां है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मास को है ना ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां से यहां ले जा रहा हूं, पॉइंट वन से पॉइंट टू, डिफरेंट पाथ कह लो, ये क्या है, पाथ वन है, दिस इज क्या है, पाथ, यहां पाथ ए मान लो, दिस इज क्या होगा, पाथ बी मान लो, और दिस इज क्या होगा, पाथ सी मान लो। तो मैं ये बोल सकता हूं
कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, अलोंग ए इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अलोंग पाथ बी इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ सी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। समझ में आया क्या, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी इसका होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है बेटा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, तो दूसरा जो पॉइंट लिखोगे इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो पार्टिकल के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ जी इज क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर के, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। जैसे जैसा कि मैंने बताया था कि एक पार्टिकल ये M1 है, ये दूसरा M2 है, ठीक है। इनको यदि हम d डिस्टेंस पे रख दिए हैं तो इनके बीच, यहाँ भी मैंने सिंबल यूज किया था F2, और इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, F12 बोलेंगे, ठीक है, सॉरी F21। देखो इस पे जो, इसके द्वारा M2 के द्वारा M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, M1 के तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, M1 पे जो M2 के द्वारा फोर्स लग रहा है वो M2 के तरफ लग रहा है, M2 पे जो M1 के द्वारा फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, M1 के तरफ लग रहा है। तो ये ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सेंट्रल फोर्स, क्या बोलते हैं हम उसको, एफ जी। एफ जी इज ए क्या होगा, सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा, एक पार्टिकुलर सेंटर के तरफ लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये आप लोगों को मालूम है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही मून जो है अर्थ के राउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या होता है, सन के अराउंड जो है उस इलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे जो कमजोर फोर्स होता है नेचर में वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगला जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, ये लिख लेना है, जो फोर्थ पॉइंट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द क्या होगा, इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। समझ में आया क्या होगा, नेचर, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद कौन सा होता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद एफ मैग्नेटिक फोर्स, और सबसे जो कम होता है वो क्या होता है, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑलरेडी मैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज रहा। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब तो इसके बाद हम लिखेंगे अगला जो पॉइंट होगा
तो अभी हमने क्या देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हम पढ़े थे। एक और पॉइंट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू पॉइंट मासेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द थर्ड मास इज प्रेजेंट और एबसेंट। आई मीन दो मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो तीसरे मास, तीसरा जो मास है वहां है या नहीं है उससे क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो हम यहां लिखेंगे तो यहां अगला जो पॉइंट होगा फोर्स, या यहां हम लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये लिख लो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब देखो इसका यूज क्या है, सबसे पहले देख लो, ठीक है। मान लो कि यहां कोई पार्टिकल है, ये m1 है, ठीक है, यहाँ जिसका मास क्या है, m1 है, एक दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ऐसे ये मान लो कि m2, a m3, a m4, m5, ठीक है, डैश डैश क्या है, mn है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ कि m1 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, f1 हम क्या लिखेंगे, नेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वन पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा उसको हम लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो F12 प्लस क्या लिखेंगे, F2, F1, 3 प्लस क्या लिखेंगे, F3, सॉरी F1, 3 प्लस क्या लिखेंगे, F14 प्लस प्लस F1 क्या लिखेंगे, N। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्टिकल पे यदि फोर्स लिखना है, क्या लिखना है, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लिखना है तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स लिखना है, तो सब पार्टिकल के द्वारा अलग अलग फोर्स लिखो और उसको क्या करो, वेक्टर की तरह क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, सभी फोर्स, सभी पार्टिकल्स के द्वारा जो फोर्स होगा उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल इस पे देख लेते हैं हम, कि मान लो कि एक लैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, देखो ध्यान से, एक मास यहाँ है m, चलो m, m मैं मान लेता हूँ, यहाँ मान लो कि ये वर्टेक्स वन है, ये वर्टेक्स वन मान लेता हूँ मैं, इसको टू मान लेता हूँ, इसको थ्री मान लेता हूँ, मुझे इस पे आई मीन वन पे जो क्या है, इस पे m1, m पे क्या करना है, आई मीन वर्टेक्स वन पे जो मास है उस पे क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट, नहीं तो बेटर ये है कि हम इसको m0 मान लेते हैं। अपने को क्या करना है कि एक लैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स पे क्या है, तीन मासेज रखे हुए हैं, ठीक है, अपने को क्या करना है कि m0 पे नेट फोर्स कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है। इसका साइड लेंथ हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, फाइंड, ये लिख दो फाइंड फोर्स, फोर्स ऑन क्या होगा, m0। बेटा ध्यान, दो पॉइंट ध्यान देना है, सबसे पहले कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो मैं आपसे बोलूं, देखो यहाँ से m0 पे जो फोर्स लिखना है, किस पे, m0 पे, तो देखो m0 पे इस मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किधर होगा, इधर होगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, F12, आई मीन फोर्स ऑन वन ड्यू टू। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F1 due to क्या होगा, 3, सही है। अब
अब देखो ध्यान से, अब F12 और F13 का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो आप भी लिख सकते हो। देखो तो F12 इक्वल टू क्या लिखोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gm m नॉट अपॉन a स्क्वायर, यही लिखोगे, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं F13 इक्वल टू Gm m नॉट अपॉन क्या हो गया, a स्क्वायर। बेटा इससे ये मालूम चल गया कि m नॉट पे इस मास के द्वारा और इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m12 इक्वल टू m13। समझ में आया बात? अब मुझे क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके बीच एंगल क्या है, यहाँ देखो यदि एंगल कितना है, देखो यहाँ 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट में क्या करना है, यदि आर कैलकुलेट करना है, आर इक्वल टू वैक्टर ए प्लस क्या होगा, वैक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आर हम कैसे लिखते थे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखते थे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा लिखते थे ना। थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसी तरह यहां भी मुझे क्या करना है कि दो वेक्टर के बीच क्या है, एंगल लिखना है। उसके बाद यदि एक पॉइंट देखो, जैसे ऐसे मैंने बताया था जब वेक्टर पढ़ा रहा था, तो ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, इनके बीच एंगल थीटा है, और यही क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर। और रिजल्टेंट यदि वेक्टर ए के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है तो टैन अल्फा हम कैसे लिखते हैं, टैन अल्फा इक्वल टू क्या था बेटा बताओ, बी साइन थीटा अपॉन क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा। दो पॉइंट हम जब वेक्टर चैप्टर पढ़े थे तो हमने ये प्रूव भी किया था, और आपको ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हो। अब हम अपने को मालूम है, इस प्रॉब्लम पे हम देखें तो दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को मालूम चल गया, दो वेक्टर के बीच एंगल भी मालूम चल गया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट। अब मैं यहाँ लिखूँ कि एफ, ठीक है, एफ ऑन वन नेट लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, F12 प्लस क्या लिखेंगे, F13। और यहाँ मैं यदि लिखूँ मैग्नीट्यूड लिख दूँ तो मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको ही मालूम है, यहाँ वेक्टर फार्मूला यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं F12 द स्क्वायर प्लस F13 द होल स्क्वायर प्लस F12 F13 cos 60। और बाईसिमेट्री से देखो ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं दोनों का वैल्यू F मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ये मान लिया कि ये F है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F square into 1 plus cos 60, ठीक है। और 1 plus cos 60 कितना होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना होगा बेटा 1 plus cos 60, ठीक है। तो 1 plus cos theta कितना होता है, 2 cos square theta by 2। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं F1 net का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू क्या होगा, टू एफ इंटू √3/2। ये 2 से 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक क्या हो जाएगा, √3 f, और √3 g m m नॉट अपॉन क्या होगा, a स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर होगा। अब आपसे पूछा जाए कि नहीं इसका डायरेक्शन, क्योंकि जब भी हम वेक्टर लिखते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यदि मैं फ्री बॉडी डायरेक्शन लिखूं तो या तो इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू रख सकता हूं, तो यहां से मैंने ये बताया था कि यदि देखो एक मास यहाँ है, अब लॉजिक से भी तुम सोच सकते हो यही मास एम है, एक फोर्स एफ इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा यार, ऑफकोर्स एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग करेगा, किधर ही करेगा ना यार, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ
वन नेट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, एंगल बाई सेक्टर के अलोंग। यहाँ से भी आप देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रख दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हो, यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हो, देखो ध्यान से कि इफ़ ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो टू साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू थीटा बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, समझ में आया ना, ये तब होता है, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर में पढ़ाया हूँ, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इस पर, तो बेटा ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं आप लोगों को आना चाहिए तभी आप दूसरा, यहाँ आप मुझे बताओ, देखो ध्यान से कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, यहाँ हमने ये एम 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 एक लैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स देखो इसको ये क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे पहले क्या है फोर्स लिखना हो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, यहाँ क्या है स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ हमने क्या मान लिया ये मान लिया, ठीक है समझ में आया। उसके बाद मैं स्क्वायर भी कंसीडर कर लेता हूँ, सॉरी सर्कल, यहाँ एम 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 इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ ऑल केस में देखोगे तो मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट भी लिख सकता हूं फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन आई मीन नेट फोर्स एफ नेट ऑन क्या होगा एम नट विल बी इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये जीरो होगा, इसमें कोई डाउट है, देखो तो ये हमने बोल दिया शायद बाई सेमेट्री से, तुम देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ तुमको, चलो इसको देखते हैं स्कोर पे। देखो पहले ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दो मास के बीच वो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, दोनों मास के प्रोडक्ट पे और उनके बीच सेपरेशन क्या है, समझ में आना, इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो आप ध्यान से देखना, यदि इस पे इस मास के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस मास के द्वारा जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इस मास के द्वारा जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इस मास के द्वारा जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। और बाईसेमेट्री से देखो कि हर बाईसेमेट्री से सेपरेशन भी सेम है और मासेज भी, आई मीन सेमेट्रिकल सिचुएशन है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे देखो तो ये फोर्स जितना होगा इधर उतना ही होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, फिर इधर जितना फोर्स लगेगा उतना ही इधर लगेगा, इसलिए यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखोगे कि इस पर इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लगेगा इधर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सेपरेशन और ये सेपरेशन सेम है, दोनों मास भी सेम है। सिमिलरली इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्या होगा इधर लगेगा, ठीक है समझ में आया। तो इसलिए बाईसेमेट्री ए फोर्स और ए फोर्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स इस पर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये दोनों तो थोड़ा आसान था यार, आपने दोनों समझ लिया कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये ध्यान देखना है, ध्यान रखना है कि यदि सिचुएशन क्या होगा सिमेट्रिकल होगा, सिचुएशन क्या होगा सिमेट्रिकल होगा तो नेट फोर्स ऑन एनी मास प्रेजेंट एट द क्या होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री पे जो मास होगा उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वही मैंने यहाँ क्या है लिखा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, देखो ध्यान से अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको मैं F1 मान लेता हूँ, इसको F2 मान लेता हूँ और इसको F3 मान लेता हूँ, सही है। बाईसेमेट्री अगेन यहाँ से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू क्या होगा, देखो यदि मैं इसको आर मान लूँ इस डिस्टेंस को तो मैं ये बोल सकता हूँ जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो, यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि F2 और F1 का रिजल्टेंट जो होगा वो F3 के इक्वल हो जाएगा, देखो इन दोनों का F1 2 का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम है तो इसके एंगल बाई सेक्टर के अलॉन्ग होगा, इसका ए मैं लिख सकता हूँ F1, इसका भी वैल्यू और इसका सेम है तो ऑफकोर्स देखो ये कितना हो जाएगा 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है 120, ठीक है ये 120 होगा और ये भी 120 होगा। अब देखो जितना ये होगा ये F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 2 इक्वल टू आई थिंक F3 हो जाएगा, होगा क्या देखो मैं प्रूव कर देता हूँ, यदि यही प्रूव कर दूँ ये बोर्ड में भी 12 में जाओगे तो यहाँ देखो अब यदि चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टेट में हम क्या पढ़ेंगे चार्ज, यहाँ M1 M2 या M की जगह हम क्या लिखेंगे चार्ज लिख देंगे, सब चीज़ सेम रहेगा। तो बेटा यहाँ देखो मैं यदि प्रूव कर दूँ कि F1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F3 हो जाएगा, तो चलो मैं F1 2, F1 2 का मतलब क्या हुआ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 मैंने ये माना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, ठीक है cos 120, ठीक है अगेन देखो ये सब सेम है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2F, इसको F लिख लो F स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 120 और 1 प्लस cos थीटा अगेन क्या होता है 2 cos स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4F स्क्वायर cos स्क्वायर 60 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से देखोगे तो cos थीटा का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से F12 इक्वल टू लिख सकते हो 2F cos 60 और ये कितना हो जाएगा F हो जाएगा, तो यहाँ से ये मालूम चल गया। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लग रहा है, इनके एंगल बाई सेक्टर के अलॉन्ग लग रहा है और ये फोर्स आई मीन F3 और F1 2 का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिला कि यदि क्या होगा कन्फिग्रेशन जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है किसी मास पे, ठीक है तो अलवेज आँख बंद करके आपको क्या बोल देना है कि नेट फोर्स उस पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमेट्री का मतलब समझ में आया ना कि मास जो होगा वो क्या होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे हेक्सागोनों के केस में आप सोचोगे, जिसे एक और एग्जांपल देख लो आप, फिर आप एक जनरल रिजल्ट देख लेना, ठीक है यहाँ भी देख लो बेटा ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर का मतलब क्या होगा कि साइड लेंथ क्या होगा सेम होगा, चलो साइड लेंथ हमने मान लिया है, ठीक है यहाँ भी हमने मास एम 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 एम, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ सिमेट्रिकल है, यही अफकोर्स क्या होगा सेंटर होगा, यहाँ हमने क्या किया एमनेट रख दिया। तो मैं आपसे पूछूं कि एमनेट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो अफकोर्स आप बोल सकते हो कि जीरो लगेगा सर, क्यों लगेगा अगेन आप इसको समझ सकते हो, देखो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, अगेन इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इनके बीच इधर इधर और इधर, ठीक है अब ये जितना फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और इसका दोनों का सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसी तरह ही कैंसिल कर देंगे, इसी तरह ही कैंसिल, तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा क्या बोल सकते हैं बाई सिमेट्री नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्या होगा नेट फोर्स ऑन एमनेट मस्ट बी क्या होगा मस्ट बी जीरो। तो यहां से याद रखना है नोट में क्या रखना है कि यदि क्या होगा मास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है और यदि सेंटर पे कोई अदर मास प्रेजेंट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये आपको क्या करना है ध्यान देना। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो जनरली ठीक है पूछा भी जाता है, चलो अभी एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ थोड़ा लेवल को मैं बढ़ा रहा, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको क्या यूज करना है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर और फिर फोर्स का वेक्टर सम ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ यहाँ,
ट्विस्ट क्या करता हूं, देखो ध्यान से, आपको आपसे मैं ये पूछता हूं, देखो थोड़ा मैं प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करता हूं, ए एम नट एम एम, ठीक है, ये साइड लेंथ क्या है, ये आपसे मैं बोलूं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम नट का वैल्यू फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या होगा एम नट, सॉरी व्हाट इज द फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन एम नट क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स एम नट पे कितना होगा उसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो बाईसिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि इधर जो फोर्स लगेगा ये, इसको मैं बोल दूं कि ये एफ वन है, इधर जो फोर्स लग रहा है ये एफ टू है, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा एफ थ्री होगा, ठीक है, समझ में आया। तो नेट फोर्स आपसे कोई पूछे, समझ में आया क्वेश्चन, कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एम नट, एम नट पे नेट फोर्स कितना होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको यदि मैं एफ लिखूं तो एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एफ वन प्लस क्या होगा एफ टू प्लस क्या होगा एफ थ्री, यही नेट फोर्स होगा। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट का तो मैंने फॉर्मूला बताया है, या लेकिन ये भी बताया था कि मोर देन टू वेक्टर्स हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। तो आप इसको दो तरह से बेटे सॉल्व कर सकते हो, एक तो तुम ध्यान से देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि बाईसिमेट्री मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ वन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ टू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा जी एम एम नट अपॉन ए स्क्वायर, बोल सकता हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वो ऑलवेज क्या होगा उनके एंगल वाइज सेक्टर के अलोंग लगेगा। बेटा ये एंगल कितना है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि F12 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2, और इसका वैल्यू आप यदि देखोगे तो कितना होगा बता सकते हो तुम आसानी से, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90, आई मीन ये कितना हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते हो रूट 2 जी एम एम नट अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर। अब देखो तो F12 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं F यदि मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ F12 प्लस क्या लिख सकते हैं, अरे दो वेक्टर पैरल हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के क्या होगा सम के क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा क्या लिख सकते हैं कि रूट 2 जी एम एम नट अपॉन ए स्क्वायर प्लस, देखो तो इनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, ये डायगोनल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, पहले लिखो जी एम एम नट अपॉन डायगोनल कितना होगा रूट 2 ए द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, समझ में आया क्या। तो इसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक कितना आएगा देखो यहाँ से एफ इक्वल टू कितना आएगा आई मीन 2, तो यहाँ से लिख सकते हो 2√2 प्लस 1, ठीक है जी स्मॉल एम कैपिटल एम नट 2 ए क्या हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा नेट फोर्स आपको मिलेगा, क्या मिलेगा नेट फोर्स मिलेगा, समझ में आया क्या, क्या मिलेगा आपको नेट फोर्स। एक दो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। दूसरा एक न्यूमेरिकल देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, यूजिंग जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर या जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट,
बेटा दूसरा न्यूमेरिकल देखो, थोड़ा सा आप बोलोगे, यदि आपकी आप बोलोगे तो मैं थोड़ा और लेवल बढ़ाऊंगा। लेवल देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने पढ़ा है तो थोड़ा मैं उसको यूज करता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस पे क्वेश्चन देखना ध्यान से, यहां एक जीरो कॉमा ए वाई एक्सिस हो गया, ए वाई और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, जीरो कॉमा ए और ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए, ठीक है। यहाँ हमने एम, यहाँ एम रखा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ एक अदर मास हमने रखा एम नट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये शायद ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ा। अब आप मुझे बता, यदि एम नट को अब मैं दोनों तरह से क्या है, मैं इसमें क्वेश्चंस में लिख देता, देखो क्या है, दो मासेस एम और एम आर प्लेस ऑन वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर, एक तीसरा मास जो है एम नट है उसको सेंटर पे रखा गया है, आई मीन ओरिजिन पे। अब इस मास को यदि हम स्लाइटली एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दें, क्या करें, स्लाइटली एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दें, तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, समझ में आया, क्या है, सिंपल हार्मोनिक होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि यदि हम इसी मास को वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दें तो इसका मोशन क्या होगा, उसके बारे में हम आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। बेटा ये देखो, दिस इज कॉल्ड, मैंने ये पढ़ाया था जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है वो स्टेबल और अनस्टेबल होता है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के वजह से, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ देखो आप, ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलेंगे, और दूसरा क्या है, मैंने एक और सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं, गाउटी भाषा बोलते हैं, उसमें मैंने ये बताया था कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको जानना है तो उस पोजीशन से ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्प्लेस कर दो, और डिस्प्लेस करने के बाद ऑब्जेक्ट यदि उस पोजीशन पे फिर से आ जाता है तो वैसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो शायद आप सोचोगे, अभी मैं मान लेता हूं कि दिस इज कॉल्ड क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहां नेट फोर्स जीरो है, बाईसिमेट्री से देखो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, समझ में आया। अब मैंने ये माना कि ले क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कि आपको यदि एम नॉट को एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। सिंपल हार्मोनिक का कंडीशन भी आपको मालूम है कि एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, अब हम ये मान लें कि क्या है, हमने मान लिया कि लेट, हमने माना कि लेट एम नट इज डिस्प्लेस्ड बाई क्या होगा, बाई एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब थोड़ा सा मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूं कि आपको भी समझ में आ जाए, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, या ये ठीक है, ये एम है, एम है, यहां मान लो कि पार्टिकल आ गया। अब बेटा ध्यान से देखना, इस पे नेट फोर्स लिखोगे, कहीं भी लिखना है तो देखो, ए मास इसको किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, और ए मास किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, देखो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं मान लूं, चलो इसको मैं मान लेता हूं F1 और इसको F2 मान लेता हूं, तो मैं बाई सेमेट्री से बोल सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड होगा और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, F के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब देखो ये क्या है, दिस इज ए, दिस इज एक्स, ये आपको मालूम है, चलो ये एंगल यदि मैं थीटा मान लेता हूं, दिस इज थीटा, तो आप यदि इस फोर्स का कंपोनेंट रिजल्व करोगे
तो देखो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बता सकते हो बेटा? देखो ये वाला कंपोनेंट इधर क्या होगा, ये F1 साइन थीटा, और इधर नीचे जो होगा वो क्या होगा, F2 साइन थीटा, और F1 F2 सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर जब आप लिखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इधर जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा, और F2 भी क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो इधर मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, इसे मालूम चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजीशन के पे लगेगा, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होगा और पार्टिकल जो होगा कहीं जा करके एमनट जो होगा मोमेंटली रुक जाएगा, फिर वो इधर रिटर्न हो जाएगा, फिर यहां से ये इधर आएगा, ठीक है, जैसे यहां जैसे ही आएगा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर इधर जैसे ही जाएगा नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसी मालूम चल रहा है कि पार्टिकल जो है वो क्या है, इस मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर, विदाउट एनी कैलकुलेशन हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या है, बैक एंड फोर्थ क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजिशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं हेंस क्या होगा, हेंस यहां ये बात समझ में आई, मोशन इज क्या होगा, मोशन इज क्या होगा, ऑसिलेटरी बिना एनी कैलकुलेशन का, जब भी आगे पीछे मूव कर रहा हो तो हम बोल सकते हैं कि मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी है। अब रीस्टोरिंग फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो यहां मैं FR लिख दूं, FR इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस, क्या लिख सकता हूं, F1 प्लस F2 इंटू कॉस थीटा, और मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि F1 F2 F मैंने लिखा है यहां, तो लिख सकते हैं -2F कॉस थीटा, और यहां मैं ये भी लिख सकता हूं -2G स्मॉल m mnet, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा कितना होगा बता सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको जब लिखोगे एफ आर क्या लिखोगे, -2gm mnet एक्स अपॉन अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। एफ आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, इसको रीस्टोरिंग फोर्स या माइनस साइन क्या मतलब क्या होगा कि फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर। अब यहां से देखो, यहां से ये जो सिंपल क्या है हमने लिख दिया, यदि मैं ये बोलूं कि एक्स क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा बता सकते हो तुम लोग, देखो ये थोड़ा सा लेवल जो है, ये इस क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा ये है, तो हम लिख सकते हैं, अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि इफ एक्स इज मच स्मॉलर देन ए, देन क्या होगा, एफ आर, देखो यहां से एफ आर इक्वल टू -2gm small m nut एक्स अपॉन, यहां मैं लिख देता हूं ए क्यूब इंटू 1+x/a द होल स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 3, और इसको हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से बेटा हमने ये लिख दिया कि एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2gm m nut एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, मास फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं m nut ए इक्वल टू क्या होगा, -2gm m nut एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यूब, m nut से m nut कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से तुम देख सकते हो कि देखो तो एक सुंदर सा इक्वेशन मिला, और शायद तुमको मालूम चल गया होगा कि टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ। तो यहाँ a इक्वल टू हम बोल सकते हैं -2g small m eq x। अब यहाँ से लिख सकते हो कि बाई कंपेयरिंग इससे क्या होगा, हेंस यहाँ बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, displacement of the particle from the mean position, and both are acting opposite to each other, hence motion is क्या होगा, simple harmonic। तो यहाँ बोल सकते हैं hence motion क्या होगा, motion is क्या होगा, ऐसे।
अब बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ए इक्वल टू क्या होता है यार, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो जब कंपेयर करोगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2g स्मॉल m अपॉन क्या होगा ए क्यू, तो t इक्वल टू बेटा क्या मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ए क्यू अपॉन क्या होगा 2gm। यही क्या हो गया, देखो टाइम पीरियड पॉसिबल हो तो इस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था और सिंपल क्वेश्चन ही हम इसको बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखो ऐसे लग रहा है, देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने SHM जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि जब भी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, उस पर नेट फोर्स लिखते हैं और नेट फोर्स लिख करके हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, यदि इस फॉर्म में मोशन इस फॉर्म में उसका इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और फिर कंपेयर करके हम टाइम पीरियड आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा इसमें क्वेश्चंस क्या था कि जब हम वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करोगे उसको तो आप क्या करोगे, सिंपल बोल सकते हो कि उसका जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा बैक एंड फोर्थ क्या होगा, मूव करेगा। लेकिन यदि एक्स बहुत ही छोटा हो तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, कितना। यहाँ भी देखो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM जो है वो क्या है, पार्टिकल से पार्टिकल के मास से क्या है, इनडिपेंडेंट है, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जब क्या होगा, पार्टिकल जो है m नॉट, अब देखो मैं ये लिख रहा हूं कि व्हेन, दूसरा क्या था कि व्हेन m नॉट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग क्या होगा, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, जब y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, देखो x एक्सिस, दिस इज क्या होगा y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, यहाँ ये m है 0, ये क्या है, ये भी m है 0, -a, शायद देख लेना वहाँ कहीं हमने ये लिखा होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, माइनस ए होगा ये छोटा। अब हमने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया m नॉट से, यहाँ से हमने क्या किया y डिस्प्ले, ये देखो ये वाला डिस्टेंस जो है ये है, ये वाला जो डिस्टेंस, चलो मुझे तुम बता दो, यदि मैग्नीट्यूड वाइज बता दो कि ये क्या होगा, इधर यदि मैं इसको F1 लिख दूं और इधर लिख दूं F2, तो आप मुझे बताओ कि F1 और F2 में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा। शायद हम बोल सकते हैं देखो F2 लिख लो यार, F1 का मैग्नीट्यूड लिख लो, तुमको लिखना है तो कितना हो जाएगा, gmm0 अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस वाई द होल स्क्वायर F1। F2 का मैग्नीट्यूड लिख लो यार, gmm0 अपॉन क्या हो जाएगा, a+y द होल स्क्वायर। बाई मिस्टेक से अकॉर्डिंग टू दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, तुम बोल सकते हो कि F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो F2 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अफकोर्स देखो ये दोनों का मास का प्रोडक्ट दोनों केस में क्या है, सेम है, तो अफकोर्स जिसका सेपरेशन जितना कम होगा फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, m0 जो होगा, अब तुम नेट फोर्स लिख सकते हो यहाँ से, लेकिन मुझे फोर्स लिखना नहीं है, मुझे ये चेक कर लेना था केवल इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ हम आसानी से बोल सकते हैं कि देखो ये क्या हो जाएगा, m0 जो होगा वो किधर अप क्या हो जाएगा, एक्सेलेट हो जाएगा विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं hence is in this case, hence motion यहाँ मैं लिख सकते हैं m0 will क्या होगा, will move with move along y axis with non uniform acceleration। non uniform का मतलब समझ में आया ना, इसका मतलब क्या है कि हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को गलती से भी यूज नहीं कर सकते हैं, और क्या है, गलती से भी हम यूज
नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? गलती से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जो देखो अब इसमें ग्रेविटेशन भी यूज है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट यूज है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस में आते हैं। एडवांस में आप देखोगे तो सिंगल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता है, वो मोर देन वन चैप्टर से रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझ में आया ना। एक और हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कल हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और फिर फील्ड को यूज करके भी हम फोर्स कैसे लिखेंगे। अभी फोर्स बेसिकली, ठीक है, अब और भी न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, लिख लेना और ट्राई करना तुम लोग। नहीं आएगा तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या है, क्वेश्चंस पहले समझ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जनरली आपको मिल जाएगा ए एम एम एम। अब बोलोगे सर इसमें बहुत अच्छा क्या है, तो मैं बताता हूँ ये बहुत अच्छा क्या है। यहाँ एमनट है, इसका भी साइड लेंथ क्या है। अभी मैं क्या है, एक्सिस समझ रहे हो ना, ये देखो ये फोर स्क्वायर है, स्क्वायर के फोर वर्टेक्स पे इक्वल मास रखा हुआ है। एक दूसरा कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एमनट है, उसको हमने कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। अब आपको ये बताना है कि इफ एमनट इज डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग द एक्सिस अब द क्या होगा स्क्वायर, देन प्रूव दैट द मोशन ऑफ एमनट विल बी सिंपल हार्मोनिक एंड ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन द सोन फिगर, इन द क्या होगा सोन फिगर, ठीक है, इफ एमनट इज displaced slightly along the axis of square, then prove that its motion will be SHM and also find its time period. ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड है कि आप यदि इसी क्वेश्चंस को जब मैं इलेक्ट्रोस्टेट में डील करूंगा तो यहाँ मास की जगह मैं क्या रखूंगा, केवल चार्ज रखूंगा, समझ में ना, और सब सेम रहेगा। यही यदि मास को चार्ज से रिप्लेस कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टेट में का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए मैं, आप अच्छे से यदि ग्रेविटेशन देख रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चंस होमवर्क है, इसको फिर से क्वेश्चंस मैं एक बार और डिस्कस कर दूं। यदि एमनट को एक्सिस के अलोंग स्लाइटली हम यदि डिस्प्लेस कर दें, इसके अलोंग स्लाइटली, ठीक है, यही एक्सिस है, इसके अलोंग डिस्प्लेस कर देंगे तो आपको ये प्रूव करना है कि एमनट का जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और सिंपल हार्मोनिक होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपको बताना है। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप लोग अच्छे से और इसको ट्राई करना, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन है। अब यहाँ देखो, यहाँ फोर फोर्सेस लगेंगे तो थोड़ा कंपोनेंट यूज करना, ठीक है, और कंपोनेंट यूज करके और फिर आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा, एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगेगा वो फोर फोर्स का जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा, और वहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उसकी वजह से उसका मोशन जो होगा ऑसिलेटरी होगा, और यदि एक्स बहुत ही छोटा करोगे
तो वहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि मोशन जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं सोच रहा हूँ है ना कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना चाहिए, देखते हैं। मान लो यहाँ देखो, देखो ध्यान से, थोड़ा टेंशन वगैरह भी यूज कर लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनली हमने क्या किया यहाँ, उनको इनका मास क्या है, एम है ठीक है, इनको हमने थ्रेड के थ्रू, ये थ्रेड जो है वो क्या है, जिसका लेंथ जो दिया हुआ है, ये थ्रेड मान लो इसका लेंथ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया है, और थोड़ा इसका जो थ्रेड है उसका लेंथ क्या है, एल है, इसका भी लेंथ एल है। अब हमने छोड़ दिया, ठीक है, क्या किया हमने, छोड़ दिया इसको। तो आप देखो, यदि मैं ये मान लूँ कि इनके बीच सेपरेशन भी है, चलो एल मान लेता हूँ, ठीक है, नो डाउट हमने कुछ, तो इस सिचुएशन पे तो नहीं रहेंगे यार, ये मास दोनों क्या होगा, एट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, एट्रैक्ट करेगा तो ये वर्टिकल के साथ कुछ इधर आ जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल के साथ कुछ इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना यार, ये समझ में आया, ये फाइनल सिचुएशन होगा, ये अब मासेस जो हो गए कहाँ आ गए, ठीक है, बाईसिमेट्री, क्योंकि मास जो है वो आइडेंटिकल है, तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा। देखो ये जो सिचुएशन था वो इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल। हमने यहाँ इस सिचुएशन में ये आइडियल थ्रेड है, आइडियल थ्रेड है, इस सिचुएशन में हमने क्या किया, मास को छोड़ दिया, तो फोर्स दोनों मास के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और उसके वजह से मास जो होगा वो क्लोज आ जाएंगे, तो ये थ्रेड जो होगा वो वर्टिकल के साथ क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, और बाईसिमेट्री, दोनों का इंक्लाइनेशन क्या है, सेम। तो आपसे पूछा गया है कि इन द सोन फिगर, देखो अगेन अभी ये एल है, ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, समझ में आया, तो ये पूछा गया है इन द सोन फिगर फाइंड, ये क्वेश्चन समझ में आया, इनिशियल सिचुएशन ये है, आई मीन मैं ये डॉट डॉट ड्रॉ कर देता हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आया कि इनिशियल सिचुएशन है। तो फाइंड थीटा इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेटा हम सब लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो किसी एक का फ्री बॉडी करो, तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस पर एमजी लग रहा होगा यार, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा एफ, और यदि हम डी डिस्टेंस मान लें, डी मान लें, तो हम लिख सकते हैं एफ का वैल्यू लिख सकते हैं, इधर एक थ्रेड में टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये थीटा है, तो बाई मिस्टेक से हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, समझ में आया, और यहाँ डी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये एल साइन थीटा, ठीक है, ये भी क्या होगा, एल साइन थीटा, बात समझ में आया। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बता सकते हो, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू l माइनस टू एल साइन थीटा, आई थिंक हम लिख सकते हैं l इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू साइन थीटा, d मिल गया, तो हम फोर्स भी लिख सकते हैं, फोर्स कितना होगा बताओ, g m m अपॉन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स,
एक बार जी एम स्क्वायर अपॉन क्या होगा एल स्क्वायर इंटू वन माइनस टू कॉस थीटा सॉरी टू साइन थीटा ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो देखो इसका एक कंपोनेंट टेंशन का किधर होगा इधर होगा, एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा टी साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। यहाँ से मैं ये टेंशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, टेंशन यदि कोई पूछे कि कितना होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो एम जी स्क्वायर प्लस क्या होगा एफ स्क्वायर लिख सकते हो। और एंगल कोई पूछेगा तो यहाँ से ये भी बता सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, बता सकते हो बेटा टेन थीटा कितना होगा, अरे बोलो तुम लोग डिवाइड कर दोगे तो आई थिंक आंसर मिल जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू मैं ये बोल सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ अपॉन क्या होगा एम जी। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू एफ का वैल्यू रख दो जी एम स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एल स्क्वायर इंटू क्या होगा वन माइनस टू साइन थीटा द होल स्क्वायर एम से एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से टेन थीटा इंटू लिख सकते हो वन माइनस टू साइन थीटा का द होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होगा जी एल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे वैल्यू दिया रहेगा तो हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इस टाइप का प्रॉब्लम इसमें मैं ही आप लोगों को जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा वो एटलीस्ट वेक्टर थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें कि कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व करते हैं और नेट फोर्स कैसे लिखते हैं तो उनको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट यू गो थ्रू द वेक्टर पार्ट और एनालाइज लिटिल बिट नॉट मच, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, केवल इसमें क्या करना है नेट फोर्स लिखना है या कंपोनेंट आपको आना चाहिए वो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे तो बेटा मैं ये बताऊंगा कि आप मॉड्यूल में आप देखना उसमें दिया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस पर जितने प्रॉब्लम्स हैं आप ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, नहीं आता है तो आप डाउट क्लास में फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड को यूज करके हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।